ਸ਼ਿਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੁਦਰਤ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ, ਚੀਜ਼ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੋ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ डो ऑलरेडी रेडी है ते आपां नूं बहुत ज़्यादा लाइक सख्त डो नहीं चाहिए। गार्लिक ब्रैड बनाने वास्ते इदा ही ढिली चाहिए है, थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट होएगी तो ज़्यादा अच्छा। हाँ जी इदा आप जिदा पेड़ा करते हैं इदा ही बना लेना। तुम व्डा भी ले सकते हो जिन्ना भी तुम्हें ठीक लगता। ठीक है तुम ओना ले लो। आप फिलहाल पहला गार्लिक ब्रैड बनावे। ये मैदा वा, ठीक है, तो थोड़ा जा मैं इनू इदा लगावगी। ठीक है, जिदा सेम असी पेड़ा घर विच रोटी बनाते टाइम करते हैं चुंडते हैं सेम उदा ही करा। सो नाउ असी इनू ए रख के लाइक मेरे को चॉकलेट वाला कुकीज़ वाला ना बॉक्स आते एदा आ चीज़ इदा आपां चाहिए होंगी है। ये की होंदा कि जिहड़ी डो होंदी है मैं चाहे मैदे की बनाओ चाहे तुसी विच आटा मिक्स करके बनाओ उहदे विच जो तुसी ईस्ट यूज़ करते हैं तो उहदे विच जिद्दां देखो हल्के हल्के बबल्स आते हैं सारी डो दे विच होंदे आ। बट जे बबल्स रह जाण तां तुहाडी जिहड़ा बेस आ उह अच्छा नहीं बनता किसी भी चीज़ का। ठीक है, इहनू आपां इन्हां बबल्स नूं इदां खत्म करांगे। ठीक है, इहनू आपां हल्का हल्का फैलावांगे। ठीक है जी, इनू आपां हले होर फैलावांगे अच्छे ढंग नाल तां कि इहदे जिहड़े बबल्स आ बिल्कुल जिहड़े खत्म हो जाण, जिहड़ी इहदी हवा इहदे विच डो दे विच हैगी उह खत्म हो जाएगी। असीं इहनू थोड़ा जिहा फैलावांगे। कोशिश करो कि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए क्योंकि जिहड़ा मैदा हुंदा जो असी उहदा बेस बनाने तो मोस्टली कुछ जगह तो उच्चा हुंदा कुछ जगह तो नीवा हो जाता तो इहनू असी इक्वल जा करना वा। थोड़ा असी हाथ नाल भी बता सकते हैं इहनू। ठीक है जी, हाँ जी हुण साडा जिहड़ा गार्लिक ब्रैड का बेस आ रेडी हो गया सी। तुसी देख रहे हो नाइस आ रहे वधिया बन गया। हुण असीं इहनू पीसिस कटांगे। ठीक है, इहदे तां थोड़ा नाइफ नूं आयल लगा लैने तां कि उह लगेगा नहीं आटे दे नाल। असीं इन्ने क चौड़े रखांगे। ठीक है, क्योंकि जो असी इनू रखांगे ना ये डो इदा होंदी है ये थोड़ा जा इन्हें अपने आप ही रखन दे टाइम भी यही थोड़ी पतली हो जाती है और लंबी हो जाती है। मैं तुहानू दिखाऊंगी। सो यह तुसी देख लिया। सॉरी मेरी नाइफ शायद शार्प नहीं इसलिए कट नहीं रही डो नू अच्छे ढंग नाल। ओके हुण तुसी इन्ना देख चुके हैं। हुण असी इहनू की करांगे, असी इहते कट लगावांगे। ठीक है, जिहड़े असी बनाए हुए इन्हां ते। हाँ जी, सो हुण आपां थोड़े थोड़े कट लगावांगे। इह वाली नाइफ लई है मैं क्योंकि इहदे इस साइड थोड़े कट आ ते थोड़ी अच्छी होएगी शार्प होएगी बट इस तों भी शार्प जे तुहाडे कोल हैगा तो उहदे कट अच्छे लगणगे। सो ओके जी,
not sure. ओके सो ए वाली तो अच्छे ढंग नहीं लग रहे ठीक है। सो हूँ असं की करेंगे ये ऑयल लगावे ठीक है अच्छे ढंग ऑयल लगावे कट नाल कोई फर्क नहीं पैंदा गा बस यही है कि थोड़ी अच्छी लगती है ब्रेड जो बन जाती है बट मेरी नाइफ इन्नी शार्प नहीं है इसलिए अच्छे ढंग लग नहीं रहे गए थोड़ी तो कोले शार्प नाइफ हैगी है तो वो बहुत अच्छे लगन गए। सो अच्छे ढंग ऑयल लगा लेना ठीक है। उस तो बाद असी की करांगे इन मैं गार्लिक पाउडर पाया हुआ वा सो तुसी भी गार्लिक पाउडर यूज़ करना वा ऑयल तो बाद इदा इदा मैं लगा रही हूँ क्योंकि मैं जी डो ऑलरेडी गार्लिक पाउडर पाया हुआ वा तो उपर भी असी थोड़ा जा लगावे ठीक है। सो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना असी थोड़ा ही लगाना कि जस्ट एक अच्छा टेस्ट आवे लाइक गार्लिक ब्रेड तो सानू लगे कि गार्लिक ब्रेड हैगी लाइक आटे के टेस्ट आएगा ही बट असी उपर भी लाइक थोड़ा पाया कि होर भी अच्छा टेस्ट आवे। इस तो बाद असी थोड़ी सॉस पीज़ा सॉस तुसी यूज़ कर सकते हैं बट मैं पीज़ा सॉस के विच थोड़ा जा एक हरिया मिर्चा वगैरह स्पाइसिस कुछ विच ऐड किया होया तुसी देख सकते हो मेरी वीडियो जी पीज़े वाली है उदे विच मैं दसिया होया कि पीज़ा सॉस जी इंडियन स्टाइल कि बनाई दी है जिन एच मैं जिंजर पाया होया हरी मिर्च पाई हुई है। सो हूँ असी ये ना थोड़ी जी वो वाली सॉस ला देंगे क्योंकि थोड़ी स्पाइसी है तो ये होर भी अच्छा लगेगा। सो चंगी तरह फैला लेनी है जिनी तुसी अपने टेस्ट अनुसार जे तुहानू थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी तो ज़्यादा ला लो थोड़ी थोड़ी घट चाहिए तो थोड़ा घट लगा लो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट उसके हिसाब नाल तुसी इनू लगा सकते हो अच्छे ढंग नाल। मेरी सॉस के धनिया भी है कसूरी मेथी भी है जिंजर भी है हरी मिर्च भी है और सॉल्ट तो नैचुरली असी हर चीज़ पाना ही होंगे। सो ओके अच्छे ढंग खाने इन्नी यमी होंगी और बहुत ही टेस्टी लगती है तुम सवेरे ब्रेकफास्ट टाइम भी बना सकते हो उदो भी खा सकते हो एक दिन पहला भी बना के इनू नैक्सट डे खा सकते हो इदा ही सॉफ्ट रही है। उस तो बाद असी की करांगे असी ये उपर चीज़ पावांगे मैं ऑलरेडी चीज़ नू कद्दूकस करके रखी है मज़रोला चीज़ जो असी पीज़े लिए इस्तेमाल करते हैं सेम वो वाली चीज़ ही असी पावांगे। तुसी ज़्यादा वड्डा पेड़ा लैके तुसी ज़्यादा भी बना सकते हो जिन्हें भी तुहानू चाहिए वा 8 चाहिए 4 चाहिए 6 चाहिए 10 चाहिए अकॉर्डिंग टू यू जिन्ना भी तुहानू अच्छा लगता उन्ना तुसी पा सकते हो ज़्यादा चीज़ पाओगे तो बहुत ही अच्छी लगती है ये और बच्चे भी खुश होकर खाते और तुहानू भी अच्छी लगेगी सारे नू। सो दैन हुण असीं की करांगे इहदे उत्ते असीं थोड़ा जिहा ऑरगैनो पावांगे विदाउट ऑरगैनो ये इन्नी अच्छी नहीं लगती क्योंकि इहदा ऑरगैनो का गार्लिक ब्रैड ते जिहड़ा टेस्ट हुंदा ना वो डिफरेंट ही हुंदा और इन्ना मज़ेदार बनती है ये तुसीं पिज़्ज़ा खाना भुल जाओगे जो तुसी गार्लिक ब्रैड घर बना के खाओगे ना पिज़्ज़े नालों भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो मैं ऑरगैनो काफ़ी पा दिता हूँ असी ये उत्ते थोड़ा जा चिलीज पावांगे ठीक है जी। दैन नाओ हम मैं की करांगी थोड़ा ऑयल लगावांगी जिहड़ी ट्रे दे विच मैं इहनू ओवन दे विच रखना हल्का हल्का ऑयल लगा लिया। हाँ जी हुण इह आपां सारा कुछ जो आपां चाहिदा सी ओह ऑलरेडी पा लिया हुण असीं इहनू चक के
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਉ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਤਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ। ਓਵਨ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ 350 'ਤੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਫਟਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਪੰਜੀ ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਈ ਨੋ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ ਇਹ, ਸੀ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਪੰਜੀ ਆ ਇਹ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੇਕ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੰਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਟਸ ਨੀਡ, ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਣ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਰੈਂਚ ਔਰ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫਟਰ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਾਰਲਿਕ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ। ਸੋ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਓ ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਬੈਲ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਬਾਏ ਬਾਏ।